आगे भी मैडम साहब आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरे साथ मेरे फिजिकल एजुकेशन के फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर फयाज साहब। कॉलेज जाने के बाद क्या, और कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ ऐसा कुछ वोकेशनल कोर्स है, ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जो आप सीखना चाहेंगी? क्योंकि हमारी लड़कियां आज शॉल्स पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, स्टिचिंग। आज मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ। डू यू नो अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ? स्कूल में पढ़ाते हैं, एवरी मंथ वी वीमेन गो थ्रू पीरियड्स, करेक्ट? आई नो शर्माने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने जितने भी यंग लड़के हैं, यूथ हैं, युवा हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बोलती हूँ, अपनी बहनों को, अपनी दोस्त को, अपनी माँ को, उन सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए और इस बारे में अवेयरनेस इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारी मैडम साहिबा जो कि एनजीओ चलाती है मुंबई बेस्ड, जिनका यही काम है कि बच्चियों को, खासकर जो नौजवान बच्चे हैं, तो उनको ये तासुर देना कि नहीं दिया गया है। तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ मैडम को। और जो लड़कियां नहीं करना चाहती वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, अपना घर संभालें, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग काम करना चाहती हैं तो चॉकलेट है इसमें। एक आदमी है तो इसमें शर्माने वाली लड़कियों को तो कोई भी बात नहीं है, देखी नहीं लेकिन आंखों से स्माइल पता चल जाती है। मेरा नाम रूबल नागी है और मैं सोशल वर्कर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मुंबई बेस्ड एनजीओ चला रही हूँ जो आज देश भर में काम कर रहा है। और आज हम लांगेट में हैं, हम पिछले साल भी आए थे और बहुत सारा ब्यूटिफिकेशन का काम किया था, क्लीनलीनेस ड्राइव भी की थी। आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद है हमारी 12th स्टैंडर्ड की, 10th स्टैंडर्ड की, 11th स्टैंडर्ड की लड़कियों को मिलना। और हमने आज यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है हमारी लड़कियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, जो आज भी हमारी जो देश की लड़कियां हैं वो शर्माती हैं इसके बारे में बात करने के लिए, एंड विच इज़ ऑल राइट। बट हमारा ये कॉन्स्टेंट प्रयास रहना चाहिए, हमारी कोशिश रहनी चाहिए लगातार कि हम इस टैबू से हमारी लड़कियों को बाहर निकालें। और केवल हमारी लड़कियों को नहीं, हमारे यूथ, हमारे लड़कों को भी इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत सारी मुझे ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि लड़कियों को टीज किया जाता है, या इसीलिए लड़कियां शायद इसके बारे में खुल के बात करने से डरती हैं या शर्माती हैं। सो आज हमने यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव किया, अवेयरनेस कैंप किया। एंड ये जो नैपकिन्स हैं ये ऐसी लड़कियों ने ही, ऐसी महिलाओं ने ही हमारे सेंटर्स में बनाया है और ये बायोडिग्रेडेबल नैपकिन है। सो दिस इज ऑल्सो गिविंग एन मैसेज अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सेविंग आर एनवायरमेंट, अबाउट लेस यूज ऑफ प्लास्टिक एंड हाउ वी कैन मेक सैनिटरी नैपकिन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग आर गर्ल्स। सो ये बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों से मैंने बात की और उनको, जैसे ही अब ये कहते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो लड़कियां शर्मा जाती हैं, बट आई थिंक बहुत सारा बदलाव मैंने देखा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बदलाव तभी आएगा जब आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहेंगे, लड़कियों को अवेयर करते रहेंगे, हमारे युवाओं से जुड़ते रहेंगे। और पहले जब मैं कश्मीर आई थी तो हमने स्किलिंग और आर्ट के माध्यम से बच्चों की एजुकेशन की बात की थी, और आज उसके साथ हमने सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप किया है यहाँ लड़कियों। बिल्कुल, हमारे 6 सेंटर्स इस समय कश्मीर में चल रहे हैं और कल ही मैंने एक नई जगह भी देखी है, तो 2 सेंटर्स और अगले 2 महीने में आ जाएंगे। सब जानते हैं कि रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन बातें कम काम ज्यादा करती हैं। हम एक बार मैं आई थी तो हमने अनाउंस किया था, अगली बार जब आई थी तो उद्घाटन किया था। और मैं चाहती हूँ हमारी ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की लड़कियां सक्षम हों, आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हों। और आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हमारी लड़कियां, जब हमारे युवा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, उनके बैंक में पैसा होगा तो अपना घर सर ऊपर उठा के चला। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।